हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों रामायण फिल्म को लेकर के लगातार कई अपडेट्स सामने आ रही हैं। पहले तो ये कहा गया कि यश इस फिल्म से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसके बाद रावण के रोल के लिए उन्हें कंफर्म किया गया। भविष्य और सनी देओल को हनुमान के रोल के लिए भी कंफर्म कर दिया गया है। इसी बीच में खबर ये सामने आई कि माता सीता के रोल के लिए सई पल्लवी ने मना कर दिया है, तो फिर जानवी कपूर को इसमें कास्ट किया गया। लेकिन इसी बीच में रणबीर कपूर को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। रणबीर कपूर को इस फिल्म में आ रही जितनी भी चुनौतियां हैं उसको लेकर वो किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, किस तरीके से वो अपने रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, कैसे डायलॉग्स को उनको पढ़ना आता है, कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है जिसमें रणबीर कपूर की इन तमाम परेशानियों का जिक्र किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रणबीर कपूर बीते लंबे वक्त से फिल्म रामायण को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एनिमल की अपार सफलता के बाद रणबीर कपूर इस फिल्म में भगवान राम का किरदार अदा करेंगे। खबर है कि महाकाव्य पर आधारित डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये फिल्म बतौर काफी कलाकारों के लिए खास होने वाली है। रणबीर कपूर को हालांकि इसमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। तो जानते हैं कि आखिर किन किन चीजों के लिए एक्टर को ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। फिल्म रामायण रणबीर कपूर की फिल्मी करियर की पहली माइथोलॉजिकल फिल्म में से एक होने वाली है। कई बार देखा गया है कि भगवान राम की छवि को स्क्रीन पर उतारने वाले अरुण गोविल जैसे कलाकारों ने एक्टिंग स्किल से लेकर डायलॉग डिलीवरी में कई तरीके के बदलाव किए हैं। इस तरह की चुनौतियां अब रणबीर कपूर के सामने भी आ गई हैं। रिपोर्ट की माने तो सिल्वर स्क्रीन पर भगवान राम की भूमिका के लिए एनिमल एक्टर, वॉइस मॉड्यूलिंग और साथ ही डायलॉग डिलीवरी जैसे चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही शब्दों के उच्चारण को लेकर के भी खास तैयारी की जा रही है। आमतौर पर जिस तरीके की एक्टिंग रणबीर कपूर करते हैं वो काफी अलग होती है, ऐसे में इस बार का जो रोल है वो काफी खास है और इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रोल के लिए रणबीर कपूर को कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि रणबीर इसको करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल में ही खबर ये सामने आई कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में माता सीता के रोल के लिए एक्ट्रेस सई पल्लवी को लिया गया था, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। अब इस फिल्म के लिए जानवी कपूर का नाम सामने आया है। साथ ही सनी देओल और यश इसमें अहम भूमिका में पहले ही नजर आने वाले हैं।